हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। चलिए मैं आज आपको एक DIY बनाकर दिखाऊंगी, जो टमाटर को हमें 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो और फ्रिज में कम से कम जगह लेगी। ये DIY बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल का इस्तेमाल किया है। ये बड़ी वाली बॉटल है, 2 लीटर वाली। इसमें आराम से 2 किलो तक टमाटर आ जाते हैं आराम से, और फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी। यहाँ से हमें एक छोटा सा सुराख करके कैंची की मदद से ये बॉटल को लंबाई में ऐसे कट करके लेना है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सुराख करके वहाँ पर हम इसे बॉटल को लंबाई में कट करके लेंगे। इसमें आप आराम से 1.5 किलो टमाटर 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं लेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है टमाटर को रखने का। आप देख सकते हैं, लंबाई में कट करके लिया, फिर से एक इंच तक इधर लेके फिर से हमें एक पट्टी जैसा कट करके लेना है। इसे भी लंबाई में कट करना है। और ये बिल्कुल फ्री में है, ये ऑर्गेनाइज़र कुछ पैसे नहीं है इसमें, वेस्ट में से बेस्ट आइडिया है ये। आप सारे वेजिटेबल इसमें रख सकते हैं, भिंडी, कैरेट, कुछ भी आप रख सकते हैं, ढेर सारा आएगा और फ्रिज में बिल्कुल जगह भी नहीं, ज़्यादा नहीं लेगा। आप देख सकते हैं, आराम से खुल गया है अब बॉटल। यहाँ पर मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, वो आपको डाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं, इसके आराम से छोटे बड़े टमाटर आराम से बैठ जाते हैं और भी ज़्यादा प्लेस बच जाएगी। इसमें 1.5 किलो आराम से आ जाते हैं और 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इसी तरह से रख सकते हो। हम अक्सर टमाटर ज़्यादा लेकर आते हैं, फ्रिज में रखने की जगह नहीं होती है, भी जल्दी से ख़राब होते हैं, तो ये आइडिया आपके लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है। और इसमें थोड़ा हमने बड़ा कट कर लिया है, तो इसमें आराम से हम हाथ डाल के टमाटर डाल भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं। आप देख सकते हैं, पूरे टमाटर आ गए और भी पेस है इसमें। अब एक पेपर लेके जो हमने फोल्ड करके जहाँ पर हमने कट लगाया था उसके ऊपर से हमें पेपर लगा लेना है, ताकि टमाटर अच्छे से सेफ रह जाए अंदर और गिरेंगे भी नहीं टमाटर। आप फ्रिज के साइड के पार्ट में इसे खड़ा करके रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी अंदर भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप देख सकते हैं, और भी टमाटर बैठते हैं इसमें। स्टोर करने का ये सबसे बेस्ट आइडिया है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अब हम बॉटल का खड़ा करेंगे तो भी टमाटर बिल्कुल नहीं गिरेंगे और इसमें बहुत ही कमाल का आइडिया है। अब टिप नंबर 2 है, अब हमें धनिया को भी 1 महीने के लिए अच्छे से आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें से हमें धनिया को पहले साफ़ करके लेना है, जो पीछे की डंठल है उसे निकाल के फेंक देना है। खाली धनिया की हमें पत्ती लेनी है। अब धनिया को भी 1 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरीके से धनिया को पहले अच्छे से तोड़ के लेना है। मैंने धनिया को धो के अच्छे से कपड़े से पोंछ के एकदम से ड्राई करके लिया है। गीला रखेंगे तो बहुत ही जल्दी ख़राब होता है, इसे हमें ड्राई करना है पहले। आप देख सकते हैं, धनिया साफ़ करके ले लिया है। अब एक पेपर लेके हमें उसमें रख देना है। आप चाहे तो टिश्यू पेपर ले सकते हैं, जो किचन में यूज होता है। अब दोनों तरफ से पेपर को हमें अच्छे से फोल्ड करना है, फिर से ये साइड से वो साइड से भी फोल्ड करके एक प्लास्टिक के कंटेनर में रख देना है। जो भी इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो जाए वो पेपर सोख लेगा। अब एक कंटेनर लेके उसमें रख के हमें ढक्कन लगा के इसमें फ्रिज में रख देना है। 1 महीने तक आराम से चल जाता है धनिया, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब इसी तरह से मैं हरी मिर्च को भी आपको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। हरी मिर्च को भी इसी तरीके से रखना है। आप इसके डंठल भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं तोड़े हैं। ऐसे भी इसको भी हरी मिर्च 1-2 महीने तक आराम से रहती है, हरी मिर्च बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसे भी वैसे फोल्ड करके एक डब्बे में रख देना है। जब भी निकालना है इसी तरह से निकाल लीजिए, फिर से ढक्कन रख के पेपर में लपेट के
फिर से रख दीजिएगा, 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी हरी मिर्च। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।